मनदीप सिंह मन्ना एक जाना पछाना ना पंजाब दे विच ते गल करिए अमृतसर दे विच ते मनदीप सिंह मन्ना दे सोशल मीडिया ते लखा फॉलोअर ते हर एक वीडियो ते हज़ारों दे हिसाब नाल कमेंट ते गल करिए मनदीप सिंह मन्ना जो कि अमृतसर दे विच अक्सर ही अपनी आवाज़ चुकते सन इलीगल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट दे बारे ते हर संस्थान दे बारे जिहड़े कि अपने आप नूं एक समाज सेवक कह के खुलासा करते सन तो उन्होंने नाल कई लोग सोशल मीडिया से जुड़ते भी सन पर पिछले कुछ दिनों चो एक वीडियो वायरल होने तो बाद मनदीप सिंह मन्ना खिलाफ़ भी आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। तो मनदीप सिंह मन्ना दे नाल सालां नाल उन्हां दा मोढ़ा नाल मोढ़ा मिला के उन्हां नाल काम करन वाले तो दूसरी गल करां कि उन्हां दा सोशल मीडिया हैंडल करन वाले अज उन्हां ही खिलाफ मीडिया के सामने क्यों आए हैं उन्हां नाल गलबात करते हैं। तो पहला अमितपाल जी स्वागत तुहाडा लाइव भारत ते। धन्यवाद जी तुहाडा मैनूं इस गल ते कि तुसीं मेरी जिहड़ी गल आ उह लोकां अगे रखण जा रहे हो। मैं पीसी दे विच वी पहलां काफ़ी कुछ बयान कर चुका हाँ कि उस घटना दे विच जिहड़ी वीडियो वायरल होई सीगी उहदे विच जिहड़ा इन्ना धक्का मुक्की जिहड़ा लोक करदे ने मेरी केवल यह लड़ाई सी कि तेरे किसी भी काले कारनामिया दे विच मैं भाईवाल नहीं, मेरे किरदार ते जिहड़ी आ उह उंगल चुकी जा रही है कि शायद मैं भी तेरा भाईवाल हाँ, मेरी इन्नी क स्टेटमेंट दे दे तेरी 20 मिनट की वीडियो दे विच इन्नी क स्टेटमेंट दे दे कि वह पेड काम करता सीगा, मेरा उन्हें कोई लिंक नहीं सीगा। कितना चिर तो तुसीं उन्हां दा पेड सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहे हो? अप्रोक्सीमेट सन 2018 तो लैके सन 2022 अखीर तक 5 साल मैं जिहड़ा आ उह सोशल मीडिया इहदा हैंडल कीता। इस तों पहलां सन 2009 तो सन 2012 तक जदों ये अमृतसर पूर्बी दी अकाली दल वल्लों टिकट दा चाहवण सीगा उदों भी लगभग 1.5 साल मैं इहदे नाल कम कर चुक्या। हुण जिहड़ा आ इह जिन्नियां वीडियोज़ करदा सीगा उहदी कंटेंट राइटिंग शूटिंग उहनू शूट करना उहदी एडिटिंग करना उहनू फेसबुक ते पाउणा किहड़ी गल करनी है किहड़ी किस तरीके नाल बोलणी है इह सारा इह मैं मैनेज करदा सीगा। कि इही कारण सी हर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस या हर जगह मन्ना जिहदे नाल तुसीं मौजूद हुंदे सन ते तुहाडा लिंक सिर्फ इन्ना ही है? मैं केवल इन्ना लिंक सीगा, सैकंडली मैं बचा करदा सीगा कि मेरी फोटो ना आवे किते वी। मैं बैकफुट ते रहि के जिहड़ा शूट चलदा हुंदा सीगा कैमरे तो पासे रहिंदा सीगा वी तां कि इह जे कुछ करदा कल नूं कुछ गलत करदा होया तो मेरा नाम ना विच आवे। बहुत घट वीडियो दे विच जिहड़ा मैं वेख्या होगा तुसीं ते जिहड़ा बैकफुट ते रहि के उस चीज़ नूं मैनेज करदा सीगा। ते अज तुहानूं कैमरे अगे आउण दी क्यों लोड़ पै गई? मैं तुहानूं इस तों पहलां दस चुका कि इतना इन्नी क लड़ाई सी कि मैनूं इस चीज़ तों बाहर कढ दे, मेरे ते वी सवाल चुके जा रहे आ। मैं बड़ा आम जे घर दा मतलब लड़का आ, आम मेहनत काश इंसान आ, मैं प्रोपर ITR इनकम टैक्स फाइल वगैरह करके हर तरीके ना सही जड़ी आमदनी आ उहदे सिर ते मैं कारोबार करदा आ। मैं किसे तरीके दा गलत पैसा कमाउणा नहीं चाहुंदा। मेरी किरदार कुशी जड़ी आ उह कीती जा रही सी कि कईआं नूं इह लगदा सीगा कि शायद मैं भी इहदे नाल मिल के कुछ इहदे गलत कम्मां च इनवोल्व आ। मैं पहले दस चुका कि इस चीज़ तों डरदिया होया कि लोग मैनू गलत नज़र ना वेखणगे, इसलिए अज बोलण दी जिहड़ी आ उह जरूरत बनी है जी। तो जदों तुसीं मन्ना जी नाल गल कीती कि तुहाडे लई एक वीडियो 4 शब्द बोल के पा दित्ते जाण तो उहनां वल्लों की जवाब आया? पहलां उहनां ने इगनोर कीता, उस तों बाद जदों मैं 1.25 करोड़ वाली गल कही वीडियो दे विच उस गल दा उहनां नूं बुरा लग्गिया। बाहर बैठिया दा मैनूं फोन आया कि तूं उह गल गलत कीती आ। इत्थों दे जिहड़े उहदे नाल दे चेले ने उहनां वल्लों धमकियां लगाईआं गईआं कि तू वह गल करके गलत करता सानू, तू फसाता, तू इस गल ये गल नू कर कितना सकदा आ, इहदे नतीजे बड़े बुरे होणगे ते उहनू आ लैंदे वेख ही बणदा की। मैं कहा जदों आ लैंदे बणदा की फिर हुण तों वेखदे आ बणदा की। जिहड़े ये डॉक्यूमेंट सीगे उस वीडियो बनन तों बाद मैनू पता सीगा जिहड़ी चीज़ क्रिएट हो चुकी है, जिहड़ी वीडियो बन चुकी है वह एक ना एक दिन लोगों के सामने आनी है। मैं उहदी तैयारी पिछले 1 साल तो करनी शुरू करती सीगी, पेपर कट्ठे करने शुरू करते सीगे, जिहड़ियां चीज़ां मैं बोल रहा जिहड़े डॉक्यूमेंट मैं पेश कर रहा वह एक दिन च नहीं आ गए, उन्हां दे पिछे एक लंबा समा लग्गिया उन्हां नूं कट्ठे करन दे विच। किसे दी इनकम टैक्स रिटर्न दे उत्ते तुसीं उहदी इनकम नूं डिफाइन करना, उहदे इनकम टैक्स दे डॉक्यूमेंट कढ के लिआउणा, उहदा पैन कार्ड लै के आउणा, उहदे वल्लों जिहड़ियां वरती जांदियां 0001 गड्डियां, 3001 चौथा किसी दोस्त दे नां ते सी इस करके उह नहीं बोलिया जा सकदा, 3001 एक नंबर जिहड़ा करीब 10 लाख रुपये का कोस्ट करता है, वह 10 लाख रुपया प्लस वो इन महंगिया गड्डिया जिहड़ी नवी हाईक्रॉस आई है अप्रोक्सीमेट 30 लाख की गड्डी होगी तो 10 लाख का नंबर 40 लाख की होगी। इस तो पहले एंडेवर जिहदी कीमत 43 लाख रुपया सीगी तो 10 लाख का नंबर 53 लाख रुपया, वह घर के 4 गड्डिया होण, बंदे की इनकम टैक्स की रिटर्न जिहड़ी है
ਉਹ ਹੋਵੇ ਲਗਭਗ 5,20,000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਰੋਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 4,00,000 ਕੁਛ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 30 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਗੱਡੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ? ਕੈਪਸਨ ਮਾਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟੋਮੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ, ਹੰਡਾਓ, ਵਿਆਹ ਵਿਹੂ ਵੇਖੋ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੋਸਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤੀ 1 ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤੀ 2 ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, 3 ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, 4 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ? ਡਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਡਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਬੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਖਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਅੰਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਥਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ PC ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਲੁੱਟ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ 1 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਪਨਲੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਆ, ਉਦਣ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
तो अज ये चीज़ा मेरे को जनतक हो गई ने। उस तो बाद चीज़ा नज़र आनियाँ शुरू हो गई क्योंकि 2021 तो बाद इन्हें तेजी प्लॉट खरीदने शुरू करते, गड्डिया लैनिया शुरू करती, और पहला पैसा इनू एडजस्ट कर रहा है, उस तो बाद पैसा खर्च होना शुरू हो गया। मैं उदन तो यह तैयारी कर ली सी, मैनू पता सीगा कि यह दिन एक ना एक दिन आना, वीडियो लीक होनी ही होनी है, जितनों वीडियो लीक होनी है उस तो बाद मैं जनतक करूँगा भी ये चीज़ होंगी किदा। फिर भी मैंने कुछ नहीं आख्या, मैं कोई गल नहीं यार तू मेरे वालों ये चीज़ बोल दे अपना खत्म है सब कुछ, ठीक है। मैं क्लीयर हाँ कि मैं किसी किसी काम से इनवॉल्व नहीं, मैं आउट होना चाहता। उस तो आउट तो मैं 2022 लास्ट तो हो चुका, मेरा इन्ना कोई खास कॉन्टैक्ट नहीं है। हुण रीसेंटली हुण तो 30 दिन पहला जो ये बाहर जाता है उस तो बाद मेरा कॉन्टैक्ट इन्ना शुरू हों वा, हाई हल होनी शुरू होंगी है कि वो कनेडा इदा आ मैं की लैके आवं, इदा दल शुरू होंगे। तो मैनू समझ नहीं आती भी ये इन्नी देर बाद कॉन्टैक्ट क्यों शुरू होया। तो उत्तों तो उदों तक मैं तैयारी करनी शुरू करती सी 2021 वो वीडियो आने तो बाद नवंबर तो बाद ये पेपर कट्ठे करने शुरू करते सीगे। वो पेपर मेरे को हौली हौली आते रहे, पेपर जिन्हें दसे है इस तो वध किधरे मेरे को होर पे ने। आपां अगली जिहड़ी पीसी करांगे इत्थों दे ठेकेदारां नूं नाल बिठा के ते उहनां दे नाल करांगे, कली कली चीज़ दसांगे लॉकडाउन चो राशन वंड कंपेन दे विच की कीता गया, किहड़े हस्पताल तों किन्ने पैसे ले गए, किहड़ी लैब तों की लिया गया, किहड़ी एजेंसी तों किहड़ी गड्डी लई गई, किन्ना कैश आया, किन्ने दा गोल्ड खरीदया, किन्ने दा की खरीदया गया, वो सारा मैं जिहड़ा आ वो जल्दी जनतक करांगा। तो मनदीप सिंह मन्ना वालों समाज सेवा भी की जाती है, कुछ गरीबों की सहायता भी की जाती है, वीडियो भी तुम आप बनाते रहे हो, आप वीडियो बना के सोशल मीडिया से पाते रहे हो, तो वो फंड कितों आता से? देखो कुछ मान लो तुम ठेकेदार हो पर नाल तुहाडी एक NGO भी है, तुहानू पता भी ठेकेदार ने अपना कारोबार भी करना, तो NGO तो सारे पैसे नाल तुसी लोक भलाई काम भी करने। जे तुहानू बिजनेस दे विच किसी चीज़ का फायदा मिलता होवे ते वो बंदा किसी वाले उन्हूं ओबलाइज करन लई जेबों बहुत रेयर होए कभी पैसा नहीं कढ़दा है। ये NGOs जिहड़ियां ने वो कभी लैंटर पवा दे, कभी फलानी चीज़ दे, प्रोवाइड कर दी NGOs मेरे नाल भी कल नूं ये साढ़े कॉन्टैक्ट रहेगा तो कल नूं असीं इहदे को ठेका जिहड़ा आ कोई कारपोरेशन का वो लै सकांगे। वो इस तरीके का जिहड़ा काम करता है। एक तुसी सोशल मीडिया हैंडल करते रहे उन्होंने, तो सोशल मीडिया से जिहड़े उन्होंने फॉलोअर है जिहड़े वो जेन्युइन है कि वह भी इस तरह बने हुए हैं? जिहड़े सोशल मीडिया के फॉलोअर ने बिल्कुल जेन्युइन है, कोई अनजेन्युइन नहीं है। हाँ साड़ी एक टीम लगी रहिंदी है, मेरे ही दोस्त ने जिहड़े मन्ना जी ने खास जिहड़े चार असी दोस्त हाँ, असी क्लासमेट भी हाँ, नर्सरी तो इकट्ठे पढ़े हाँ, अज तक इको इलाके च रहिंदे हाँ, परिवारक रिलेशन आ। साड़ी ड्यूटी की हुंदी सीगी कि जिहड़े लोग गालां कढ़दे ने, जिहड़े लोग गलत कमेंट करदे ने उन्होंने डिलीट करके ब्लॉक करना ताकि दोबारा वो साड़ी वीडियो देख ना पाउण। कोई भी गलत कमेंट आने पर असी उन्होंने मैनेज करते सीगे, जिहड़े फॉलोअर ने वो बिल्कुल जेन्युइन ने। तो दूसरी गल करिए कि हुण तुसीं जिहड़ी अगली प्रैस कॉन्फ्रेंस की गल कर रहे हो, वो प्रैस कॉन्फ्रेंस विच किहड़े किहड़े डिपार्टमेंट के अधिकारी होणगे तुहाडे नाल? मैं अधिकारी की कोई गल नहीं की, सरकारी अफसर जिहड़ा वा वो इस मसले च पैण तो डरदा आ, ठेकेदार ते होर जिन्हां जिन्हां नाल धक्के होए आ जां जिहड़े मेरे यार ने जिहड़े नाले दे वह हजे इहदी बड़ी चुकना चाहे ने, इन्हां बारे दसूँगा भी इन्हां वास्ते किहड़े किहड़े षडयंत्र रचदा रहा, कि तरह उन्हां नूं ठोकदा रहा, कि तरह उन्हां दा नुकसान करन दी ताक च रहिंदा रहा, वो उन्हां नूं दस के उस तों बाद उन्हां नूं भी नाल बिठाऊँगा, वह सारे इकट्ठे होकर असीं जिहड़ी आ वो PC करांगे। तुहाडे मुताबिक मनदीप सिंह मन्ना इन्ना गलत है तो इन्ने चिर तो तुसीं एक गलत बंदे दा साथ दे रहे सी, ते तुहाडी हुण इस प्रैस कॉन्फ्रेंस तों बाद की असर पएगा? देखो इस प्रैस कॉन्फ्रेंस तों बाद यह असर पै सकदा कि जे वह गलत काम कोई करदा आ तो मैं नशर करके रख सकना, दूजा वो मतलब जो ये पता होगा भी अगला बंदा तैयार बैठा वा कोई गलत काम किया कोई किसी तरह की करप्शन की कोई पैसा लिया तो सामने एक बंदा बोलने लिए तैयार बैठा आ, तो हो सकता ये करप्शन खत्म हो जाए। मैं तो कोशिश ही कर सकता, तो मैं कोशिश करूँगा भी, तो कोशिश की भी है, मैं आवाज़ जे बनी है तो मैं लोगों को भी बेनती करा अमृतसर के लोगों के इमेज जी होर है, तो पंजाब के बाकी लोगों के जी इमेज होर आठे हो माड़ी जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आख्या आ कि जे जुल्म सहना पाप आ, जे जुल्म करना पाप तो जुल्म सहना भी पाप आ। ये अमृतसर के लोगों मेरी अपील आ कि ये जुल्म के खिलाफ आप आवाज़ चुकीए, गलत काम करता वो आवाज़ बनीए, कोई दिक्कत आँदी है कोई जो करप्शन करता है वो मंगता आ वो मेरे तक पहुँचती किए जा, यानी कि तुसी ओ अगर जे किसी को करप्शन की जाती है वो तुहाडे को आन ते तुसी उन्हां दी आवाज़ बनो। बिल्कुल उन्हां दी आवाज़ बन के उन्हां दी गल लोगों तक पहुँचावांगे ते गलत काम जिहड़ा आ इह करदा उत्ते रोक लावांगे। तो गलत काम ते रोक लाई जाएगी। तो इस अमृतपाल सिंह जिन्हां ने मनदीप सिंह मन्ना दे नाल काफ़ी समा गुजारिया तो उन्हां दा सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते रहे, लेकिन एक वीडियो वायरल होने के बाद इन्हां दी सोच बदल जाती है मनदीप सिंह मन्ना नूं लैके, तो अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके वड्डे वड्डे खुलासे किए जाते हैं। खुलासों के कितनी सच्चाई है ये इन्हां दे कागज़ दस सकते हैं या ये दस सकते हैं या फिर मनदीप सिंह मन्ना
ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਆਂਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ।